दोस्तों वैसे मैं वीडियो बनाने के लिए कभी स्क्रिप्ट लिखकर नहीं रखता, लेकिन आज मुझे लिखनी पड़ी क्योंकि डीआरडीओ ने इतनी सारी नोट ऑन वार्निंग जारी करवा रखी है और इतने सारे एक के बाद एक टेस्ट किए जा रहे हैं कि मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्या गुंडा बनेगा रे तू? मैं आपको बता दूं कि इतनी सारी ऑलरेडी टेस्ट करने के बाद दो और मिसाइलों का टेस्ट करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से नोट ऑन वार्निंग जारी करवा दी गई है, जिनकी फुल जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और ये भी डिस्कस करेंगे कि इन दौरान कौन कौन सी मिसाइलों का परीक्षण किया जा सकता है। तो आप वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिए। और इस तरह का भला कारनामा डीआरडीओ क्यों कर रहा है? वन बाय वन इतनी सारी मिसाइलों का टेस्ट एक साथ किए जाने के पीछे आखिर क्या कारण हो सकते हैं? नीचे अपने ओपिनियन भी दिया करिएगा। दोस्तों इस महीने के पुराने नोट ऑन वार्निंग अगर छोड़ दिए जाए और करंट वालों की बात की जाए तो 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक एक नोट ऑन जारी किया गया था, जिसमें ऑलरेडी स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया जा चुका है डीआरडीओ की तरफ से, जो सुपरसोनिक मिसाइल प्लस टॉर्पिडो है, जिसका वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया था। इस नोट ऑन की लास्ट डेट है आज, यानी हो सकता है कि आज भी कोई परीक्षण हो जाए। इसके बाद दोस्तों अगला नोट ऑन जो पहले से ही जारी करवा दिया गया था वो है 18 तारीख से 19 तारीख तक का, यानी 18 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच का। इसमें टेस्ट की जानी है कोई बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके लिए दो प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं। एक तो K5, जिसका टेस्ट काफी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, और दूसरा जो टेस्ट है वो अग्नि 1P का। इसके लिए विंडो रखी गई है 1700 किलोमीटर की। तो ये वो दो नोटाम थे जो कि पहले से ही डीआरडीओ ने घोषित कर रखे थे। अभी बात कर लेते हैं नए वाले नोटाम की। तो मैंने आपको बताया कि 13 से 15 तारीख तक का एक नोटाम था, जो आज आखिरी दिन है, आज खत्म होना है। लेकिन दोस्तों कल से एक नया नोटाम जारी हो रहा है, जो कि है 16 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का, 16 से 17 दिसंबर तक का। इसके लिए विंडो रखी गई है 739 किलोमीटर की। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ कोई क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। ये आप स्क्रीन पर टेस्ट विंडो देख सकते हैं, ये डेफिनेटली कोई क्रूज मिसाइल है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन रही है कि HSTDB का परीक्षण कर ले डीआरडीओ, क्योंकि इस समय हाइपरसोनिक मिसाइलों की दौड़ लगी हुई है, सभी रेस में लगे हुए हैं, हमें भी हाइपरसोनिक मिसाइल चाहिए। तो ऑब्वियसली इसके लिए यहाँ पर HSTDB का दावा सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, यानी 739 किलोमीटर की जो नोट ऑन वार्निंग जारी की गई है 16 दिसंबर से 17 दिसंबर तक की, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो दूसरी नोट ऑन वार्निंग जारी करवाई गई है, ये करवाई गई है 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक, और इसके लिए लॉन्च विंडो रखी गई है 1272 किलोमीटर की। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहां पर भी किसी क्रूज मिसाइल का ही परीक्षण होना है। तो डेफिनेटली इस दौरान लॉन्ग रेंज लैंड अटैक मिसाइल, यानी जो निर्भय मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें निर्भय मिसाइल जितनी रेंज होगी और ब्रह्मोस मिसाइल जितनी स्पीड होगी, इसके बारे में मैंने आपको पहले प्रेडिक्शन करके बताया था, लेकिन उसकी जगह हो गई स्मार्ट मिसाइल का टेस्ट। तो डेफिनेटली इस दौरान जो 3 दिन का टेस्ट दिखाया जा रहा है, इस दौरान उसी मिसाइल का परीक्षण होना है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। तो इस तरह से डीआरडीओ 2021 खत्म होने से पहले उससे जबरदस्त विदाई दे रहा है। तो ये काफी अच्छी बात है कि डीआरडीओ इतनी सारी मिसाइलों के टेस्ट लगातार कर रहा है, लगातार भारत की ताकत बढ़ा रहा है। लेकिन समस्या यहाँ पर यही है, एक चिंता का विषय है एक्चुअली, कि इतनी मिसाइलों का टेस्ट एक साथ करने की भला जरूरत क्या आन पड़ी। हालांकि यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि प्रीवियसली जितने भी नोटाम हमारे यू ही चले गए थे खराब मौसम की वजह से, तो हो सकता है उनकी भरपाई करने की कोशिश यहाँ पर डीआरडीओ कर रहा हो। लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि चाइना के साथ हमारा विवाद थोड़ा ज्यादा उलझ गया हो, इस समय परिस्थितियां खराब चल रही हो बॉर्डर पर, तो इस वजह से चाइना के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए डीआरडीओ ये सारी गैदरिंग कर रहा हो। खैर जो कुछ भी कर रहा हो ये तो समय बताएगा, लेकिन हाँ भारत की ताकत इन सबके बाद बहुत बढ़ने वाली है। जय हिंद।